नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म पर ज्योतिष ग्रह नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है जिसमें हम जब भी सूर्य राशि बदलते हैं मास के मध्य में 14, 15, 16, 17 तारीख के आसपास, जिसे संक्रांति नाम से आता है, उसके ऊपर एक मासिक कार्यक्रम करते हैं। आज मैं आपके साथ सूर्य का वृश्चिक राशि में जो 16 नवंबर को दोपहर 1:03 पर जो परिवर्तन होगा, तथा जो 16 दिसंबर रात्रि तक चलेगा, 16 दिसंबर रात्रि तक चलेगा, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। वर्ष 3:44 तक 16 दिसंबर को चलेगा ये, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ कि मेष से लेकर मीन हर लगन पे इन 30 दिनों में कुछ अन्य ग्रह परिवर्तन भी, जैसे 21 नवंबर को बुध राशि बदल रहे हैं, 8 दिसंबर को धन से मकर में जा रहे हैं, मंगल जो है 5 दिसंबर को तुला से वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, परंतु सबसे महत्वपूर्ण दूसरा है 20 नवंबर को रात्रि 11:20 तक देवगुरु बृहस्पति का नीच राशि मकर से कुंभ में प्रवेश होगा। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस माह में 2 ग्रहण भी हैं, 19 नवंबर को चंद्र ग्रहण, 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण। दोनों ग्रहण भारत में लगभग दृश्य नहीं है, परंतु कुंडलियों में प्रभाव पड़ते हैं, तो उनका भी हम थोड़ा सा विवरण इन कुंडलियों में दे रहे हैं। मेष से मीन तक हर लगन के बारे में बात कर रहा हूँ। अब मैं आपके साथ मिथुन लगन पे क्या असर होने जा रहा है इस ग्रह स्थिति का, ये बात करने जा रहा हूँ। आपका मिथुन लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना, ज्योतिष से जुड़ी सारी ये सूचना किसी सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का चित्र बनेगा जिसके बीच के खाने में 3 नंबर मिथुन अथवा जैमिनी छपा होगा। आपको बर्थ डिटेल्स मालूम नहीं है तो आपके नाम के अक्षर ये है। क्या है नाम के अक्षर? हा का की कु घा ना छा के की, ये नाम के अक्षर है। तो क्या असर होने जा रहा है मिथुन लग्न के ऊपर? सूर्य का वृश्चिक राशि में 16 नवंबर 2021 को जो प्रवेश होगा, सर्वप्रथम आपको अति महत्वपूर्ण सूचना ये है कि 19 नवंबर को वृषभ राशि कृतिका नक्षत्र में चंद्र ग्रहण जो है केवल भारत के पूर्वी भागों में दृश्य होगा, बाकी भारत में कोई असर नहीं होगा, यह जानना आवश्यक है। ये ग्रहण मिथुन लग्न के लिए द्वादश भाव में ही पड़ेगा, कृतिका नक्षत्र क्योंकि वृषभ राशि द्वादश भाव में। दूसरा ग्रहण 4 दिसंबर को है जो ज्येष्ठ नक्षत्र और वृश्चिक राशि में कुंडली के 6 भाव में पड़ेगा, ये भी दृश्य नहीं है, और क्योंकि भारत में दोनों ग्रहण दृश्य नहीं है तो इनसे जुड़े कोई भी नियम सूत्र इत्यादि की आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, चंद्र ग्रहण जो है आपका जो थोड़ा सा द्वादश स्थान में लगेगा, तो यह जानना आवश्यक है थोड़ा सा अपने धन अथवा व्यय से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। 50 वर्ष से ऊपर की आयु के जातकों को हृदय रोग, गले एवं मानसिक समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, क्योंकि यद्यपि दोनों ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है परंतु जन्म पत्रिका में इनके असर देखने में आ सकते हैं। सूर्य ग्रहण जो 4 दिसंबर का, उस ग्रहण में आपको विशेष हानि नहीं है, क्योंकि आपको धन के लेन देन, शेयर मार्केट सट्टे, बुध ग्रह से जुड़ी बीमारियों जैसे कि फेफड़ों का रोग, घुटने और पीठ से जुड़े, त्वचा नर्वस सिस्टम और इमोशनल स्थिरता, यह थोड़े बहुत प्रभावित हो सकते हैं सूर्य ग्रहण के दिन। दोनों ग्रहणों में आपको विशेष रूप से माता पिता के स्वास्थ्य प्रति सचेत रहना होगा। शेयर मार्केट, सच्चे खर्च और यात्रा में सावधानी रखना आवश्यक होगा, अन्यथा अन्य प्रकार के कोई भी सीरियस इम्पैक्ट मिथुन लग्न के लिए इन ग्रहणों का नहीं होगा। विशेष करके चंद्र ग्रहण तो 6 भाव में लग गया, इसलिए उसका बिल्कुल भी नहीं होगा। अब जीवन में मिथुन लग्न से जुड़े अन्य जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनमें बात कर लेते हैं। लग्न का स्वामी बुध पंचम जो है, ये पंचम 5वें, 6वें और 7वें भाव से भ्रमण करेगा, इसलिए मिला जुला ग्रहों का प्रभाव इस प्रकार हो सकता है। बुध पाचन क्रिया, रक्तचाप, पेट, एसिडिटी तथा मच्छरों से जुड़ी बीमारियों से आपको 5 दिसंबर तक प्रभावित कर सकता है, तो डेंगू इत्यादि से बचना होगा। इसी समय में गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखनी होगी,
जो लोग रक्तचाप से प्रभावित रहते हैं उनको उनको सावधान रखना होगा। जो 60-70 वर्ष से ऊपर के हैं उनको थोड़ा सा बीपी से पैरालाइज होने से या नर्वस सिस्टम के परेशानियों से सावधान रहना पड़ सकता है, और ये सावधानी 5 दिसंबर तक रखनी होगी। गर्भवती महिलाओं की यदि बात करें तो 8 से 16 दिसंबर के मध्य आपको अपनी मधुमेह को चेक कराना होगा, डायबिटीज़ को चेक कराना होगा, और गर्भवती शिशुओं के विकास हेतु सावधानी रखनी होगी 8 से 16 दिसंबर। ओवरऑल स्वास्थ्य 21 दिसंबर से 21 नवंबर तक थोड़ा सा असर आपको रहेगा। 21 नवंबर से 10 दिसंबर के मध्य बुध जो है, जिस समय ये वृश्चिक राशि में चल रहे होंगे, तो थोड़ा व्यायाम, अन्य प्रकार के अनुशासन रखने होंगे। 10 से 16 दिसंबर के मध्य समय शुभ रह सकता है। 5 दिसंबर तक थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी मोच की, पैरों में चोट की, मामूली दुर्घटना इत्यादि की। गुरु की शुभ स्थिति के कारण 21 नवंबर के उपरांत कोई भी हानि दूरगामी दृष्टिकोण से नज़र नहीं आ रही है, कोई भी दूरगामी दृष्टिकोण से आपको परेशानी नज़र नहीं आ रही है। जीवन का अन्य क्षेत्र, नौकरी अथवा व्यापार, दोनों में ही समय साधारण से लेकर उत्तम के बीच में वैरी करेगा, परंतु नौकरी में थोड़ा सा ज़्यादा शुभ रहेगा, विशेषकर 5 दिसंबर के उपरांत। और जो लोग मंगल के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जैसे चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, केमिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, भूमि से जुड़े हों, क्योंकि भूमि पुत्र है मंगल, किसान हो, आर्मी से, पुलिस से, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हैं, तो सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, तो 21 से लेके 5 दिसंबर तक समय सावधानी का होगा। 5 के उपरांत समय उत्तम है, 5 से लेकर 16 दिसंबर में समय उत्तम है। सरकारी नौकरी अथवा अन्य प्रकार की जो नौकरियां हैं सरकार के, बैंक हो, कानून हो, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हो, सॉफ्टवेयर का हो, टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री हो, सभी में 21 नवंबर के उपरांत जो है समय जो है थोड़ा उत्तम रहेगा। फिल्म, टीवी, एडवर्टाइजिंग में 8 दिसंबर से समय थोड़ा सा सावधानी का रहेगा। उस समय शुक्र ग्रह आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो फिल्म हुआ, टीवी हुआ, मीडिया एडवर्टाइजिंग, ब्रांडेड वस्तुएं, टीवी, फ्रिज, इनमें सावधानी का रहेगा। और विशेष करके ये और सावधानी रखनी होगी, यदि आपका व्यवसाय विदेश से भी जुड़ा है, आयात निर्यात से जुड़ा है, या जॉब का कंट्रोल या बिजनेस का कंट्रोल विदेश में है। यदि कि व्यापार की बात करते हैं तो थोक का व्यापार हो, चना, केला, पपीता, पीली वस्तुएं, धन, सोना, वकालत का हो, आर्किटेक्चर का हो, फैशन डिजाइनिंग का हो, मीडिया का हो, लाल वस्तुओं, चाय, कॉफ़ी से जुड़ा हो आपका व्यापार, ये व्यापार की बात हो रही है अब, तो व्यापार के क्षेत्र में यह सारा समय 6 दिसंबर उपरांत थोड़ा सा ज़्यादा उत्तम रहेगा। 6 तक साधारण है, 21 नवंबर से 6 के उपरांत उत्तम है। साधारण रूप से 21 दिसंबर उपरांत व्यापार शुभ रहेगा, और मौके का फ़ायदा उठाकर आप हर प्रकार से 21 नवंबर से जो मैंने ऊपर क्षेत्र बोले उनमें व्यापार कर सकते हैं। नई पार्टनरशिप के नए मौके आपको 21 नवंबर के उपरांत फायदा दे सकते हैं। जीवन का अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है शिक्षा, धर्म अथवा भाग्य। भाग्य का स्थान अथवा जो समय है 21 नवंबर उपरांत विदेश विदेश दोनों में शुभ रहेगा। भाग्य का लाभ, भाग्य का प्रभाव 21 नवंबर के उपरांत देश विदेश दोनों में शुभ रहेगा। मैनेजमेंट हो, ये पढ़ाई की बात हो रही है, मैनेजमेंट, बैंकिंग, लॉ और इकोनॉमिक्स, इन क्षेत्रों में विशेष रूप से देश में अच्छा समय, देश में अच्छे मौके बनेंगे। सॉफ्टवेयर, क्रिएटिव फील्ड, गणित, फिजिक्स, लैंग्वेजेस, हिस्ट्री, मीडिया, फिल्म और अन्य जो रचनात्मक क्षेत्र हैं उनसे जुड़ी पढ़ाई, विदेश में भी समय ठीक रहेगा, विशेष करके 8 दिसंबर के उपरांत विदेश में भी समय ठीक रहेगा। विदेश में भाग्य आपका उत्तम रहेगा 8 के उपरांत, परंतु यदि आप पूजा पाठ इत्यादि में, कर्मकांड, संस्कारों में विश्वास रखते हैं, तो शनि की जो अष्टभाव की स्थिति है उसके कारण आपका मन ज़्यादा नहीं लगेगा। शनि के अष्टम के कारण आपका पूजा पाठ, धर्म, इन सब संस्कारों में मन नहीं लगेगा।
अध्यात्म हेतु 8 दिसंबर उपरांत समय शुभ रहेगा। अध्यात्म का तात्पर्य है जो गैर संस्कारी, यानी पूजा पाठ नहीं है, आप मंदिर नहीं जा रहे हैं, परंतु ईश्वर में ध्यान है, योग साधना अध्यात्म इत्यादि, 8 दिसंबर उपरांत समय उत्तम रहेगा। जीवन का अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र वह आपका है, आपका धन और आर्थिक स्थिति। धन हेतु समय 21 नवंबर के उपरांत सुधार का होगा। 21 नवंबर से 8 दिसंबर के मध्य खर्चे और आय का संतुलन बना रहेगा। 5 दिसंबर उपरांत किराए में वृद्धि, नए धन के स्रोतों का आना, संपत्ति बिकवाली तथा इनके योग बनेंगे, इनसे धन का आना। 8 दिसंबर उपरांत पैतृक संपत्ति की बिकवाली अथवा विदेश या रुके हुए धन से धन का प्राप्त होना, सोने का बेचना, पुराने वाहन का बेचना, इनकी बिकवाली से, इंश्योरेंस से, रिटायरमेंट के बेनिफिट्स या अन्य प्रकार के स्रोतों से धन प्राप्त होना 8 दिसंबर के उपरांत बात हो रही है। जीवन साथी तथा पिता से भी धन लाभ संभव होगा। धन विशेष करके नौकरी और व्यापार दोनों में ही शुभ रहेगा, पिता से भी, जीवन साथी से भी। व्यापार की बात करते हैं तो बुध शुक्र बृहस्पति से जुड़े क्षेत्र जैसे कागज, कपड़ा, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, डिजिटल हुआ, मीडिया, फिल्म एडवर्टाइजिंग, मिठाई का, चॉकलेट्स का, आइसक्रीम्स का, टीवी का, फ्रिजेस का, फूलों का, दिखावे की वस्तुओं का, भोग विलास की वस्तुओं, कॉस्मेटिक्स का बृहस्पति का फील्ड है। चना हुआ, केला हुआ, पीले फल हुए, साथ में घी मक्खन, होटल बिजनेस हुआ, पूरा आर्थिक क्षेत्र हो गया, शेयर मार्केट हो गया, इन क्षेत्रों में 8 दिसंबर के उपरांत इन क्षेत्रों में समय अच्छा रहेगा। 8 दिसंबर के उपरांत आयात निर्यात में भी, क्रिएटिव फील्ड में भी, टीवी इत्यादि में जहाँ क्रिएटिव फील्ड में आप जुड़े हैं तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। आपको किसी भी झगड़े में, मुकदमे इत्यादि में नहीं पड़ना चाहिए। खर्चा करने पर बचना चाहिए, उधार देने से बचना चाहिए। शेयर मार्केट सट्टे में यदि आप 5 दिसंबर तक विशेष रूप से आपको बचना होगा। 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक शेयर मार्केट सट्टे से भी आपको बचना होगा, अन्यथा धन के खोने के योग है। जीवन का अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है प्रेम, रिश्ते और विवाह। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको 5 दिसंबर तक बचना होगा, परंतु जो द्वितीय विवाह के इच्छुक हो उनको 5 दिसंबर तक रिश्ते आने का योग है। साधारण रूप से 21 नवंबर से 8 दिसंबर तक प्रेम, वैवाहिक दाम्पत्य संबंधों हेतु गृहस्थिति उत्तम रहेगी। विदेश में भी 8 दिसंबर के उपरांत समय उत्तम रहेगा। आप 5 दिसंबर तक विवाह हेतु जो भी ऑफर्स आते हैं कुंडली मिलाकर निर्णय लें, संभावना है निर्णय ले, क्योंकि संभावना आयु का अंतर जैसे साधारण रूप से होता है, 1-2 साल का व्यय ना होकर अधिक बड़े या छोटे जातक से आपका रिश्ता हो जाए, इसलिए आयु चेक करना, कुंडली मिलाकर करें और औसत आयु का जो फर्क है उसके साथ ही विवाह करें। विवाह में, लव अफेयर में, विदेश में, विशेष में, यदि हम विवाह की बात करें, विदेश में लव अफेयर, विदेश में अनजान जातक के साथ जल्दबाजी में रिश्ता करने से आप बचें, ये बहुत अधिक आवश्यक है विदेश में। तो शुक्र 8 दिसंबर के उपरांत जब विदेश में जा रहे हैं तो उससे ये खतरा होता है। मिथुन लग्न के लिए पन्ना, पीला पुखराज और हीरा धारण करने हेतु अत्यधिक शुभ समय रहेगा। यदि आपकी सारसती चल रही है, मकर या कुंभ राशि है, तो मिथुन लग्न के लिए और अधिक ये आवश्यक होगा। यदि ये राशियाँ आपकी मकर या कुंभ, तो आप नीलम भी धारण कर सकते हैं, इंद्रनील या रॉयल ब्लू कलर जिसे बोलते हैं, हल्के रंग में वो धारण कर सकते हैं। 5 दिसंबर तक मंगल की वस्तुओं का दान करना, हनुमान चालीसा का जाप करना। मंगल की वस्तुएं है केसर, गुड़, लाल कपड़ा, तांबा का बर्तन इत्यादि। हनुमान चालीसा का जाप 5 बार करना। 5 दिसंबर के उपरांत भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप करना, ओम नमः भगवते वासुदेवाय अथवा ओम क्ली कृष्णाय नमः, तथा गाय को भोजन देना, गुड़ की रोटी देना। 21 नवंबर से 10 दिसंबर के मध्य पक्षियों को बाजरा देना शुभ रहेगा। मछली का भक्षण 5 दिसंबर तक हानिकारक रह सकता है, विशेष करके गर्भवती महिलाओं को भगवान गणेश और विशेषकर 8 दिसंबर उपरांत भगवान कृष्ण का ध्यान करना शुभ रहेगा, और गाय को गुड़ की रोटी देना भी शुभ रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।